जिनके माँ बाप जीवित है कृपया करके हाथ ऊपर कर दें, जिनके माँ बाप जिंदे हैं भाई। अब वो हाथ ऊपर कर दें, नीचे कर ले हाथ। अब वो हाथ ऊपर कर दें जिन्होंने अपने मां बापों को जीते जी मार दिया है। गलत तो नहीं कह रहे साहब? अभी एक भी हाथ नहीं उठा। जो अपने मां बाप को प्यार करता है, जो अपने मां बाप को प्यार करता है कृपया करके एक बार हाथ ऊपर कर दे, जो अपने मां बाप को चाहता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदुस्तान का मात पिता के ऊपर बना हुआ अब तक का सबसे श्रेष्ठ भजन सुनाने जा रहा हूं। जिन भाइयों को अच्छा लगे ताली मेरे लिए, और जिन भाइयों को अच्छा ना लगे ताली अमरपाल के लिए। इसका दोस्त हूं, आपका भी दोस्त हूं। मित्रों सुन लेना, ये भजन नहीं सुनने को मिलेगा फिर, मैं आपको बता रहा हूं दिल से। आइए किस तरह से चलिए। अरे मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, और मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई हो तो दिल से ताली बजा देना दोस्तों। अरे मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान। हो तो ताली चाहूंगा दोस्तों। मात पिता दुख में तड़फे तू देर में आवे के फायदा, मात पिता से बहू लड़े तू मेर में आवे के फायदा, मात पिता सो के उठ ले तू घेर में आवे के फायदा, मात पिता तज दौलत के तू फेर में आवे के फायदा, के फायदा उस बेटे का है, के फायदा उस बेटे का जिस मात पिता का ध्यान नहीं, और मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। सावन के महीने में सरफाबाद भी कैंप लग रहा है, बरौला में भी कैंप लग रहा है, गाजियाबाद भी कैंप लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से जो मां बाप के पैर छुए बिन कावड़ लेने जाते हैं, पूछना चाहता हूं इस कली के माध्यम से, क्या अरे मात पिता को नहीं मात पिता को नहीं धमाया कावड़ लाके के फायदा। बात अच्छी लगी पहलवान, फिर सुन लो। अरे मात पिता को नहीं धमाया कावड़ लाके के फायदा, मात पिता के चरण छुए बिन तीरथ जाके के फायदा, मात पिता भूखे प्यासे
पिता की कदर करे माँ पिता की कदर करे बिना बनते लोग महान नहीं। अरे माँ पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। माँ पिता सा दुनिया में कोई निशान नहीं। माँ पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। माँ पिता सा दुनिया में। और परम आदरणीय गुरु जी ब्रह्मपाल नागर जी के इस माता पिता के इस भजन पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय श्री रोहतास यादव जी सरफाबाद से 500 रुपए और हमारे परम आदरणीय राजपाल जी हरियाणा से 500 रुपए, रामचंद्र जी मांडोठी से 500 रुपए, चौधरी तारीफ सिंह जी पहले भी आपने कई हजार रुपए से सभी कलाकारों को सम्मानित किया, हमारे 500 रुपए बलवीर साहब मांडोठी हरियाणा से, 500 रुपए राजू यादव सरफाबाद से और 100 रुपए कृष्णा बिस्तर भंडार, 500 रुपए महेंद्र कोच हरियाणा से, 500 रुपए अमरपाल पहलवान जी के मामा के लड़के सुखपाल यादव जी सौरखा से, 500 रुपए सिल्ली यादव जी सौरखा से और 500 रुपए चौधरी तारीफ सिंह जी फिर देते हैं। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली जी। अरे मात पिता की सलाह न माने पंच बुलावे के फायदा, मात पिता की दौलत पे तू लख लुटावे के फायदा, मात पिता की दुखा आत्मा मौज उड़ावे के फायदा, मात पिता नंगे हांडे तू ताज सजावे के फायदा, मात पिता पिता की सेवा बिन रे, मात पिता की सेवा बिन, फिर से सुन लेना, अरे मात पिता की सेवा बिन तेरा लगे धर्म और दान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर निशान नहीं। सुन लीजिए आखिरी कली है पहलवान साहब, आखिरी कली तोड़ कर रहा हूं, जीते जी तो माँ बाप को सौल नसीब नहीं हुआ, जब मर गए पहलवान साहब जीते जी तो मैं उन नौजवानों को कोस रहा हूं इस भजन के माध्यम से, जीते जी तो माँ बाप को ठंड में सौल नहीं दिया और जब मर गए तो यार रिश्तेदार दोस्त चादर पे चादर 300-400 चादर उठा देते हैं। मैं बता देना चाहता हूं आखिरी कली सुनने लायक होगी दोस्तों किस तरह से। अरे मात पिता मात पिता मरे सर्दी में, कड़वी बात कह रहा हूं रण भाई, अरे मात पिता मरे सर्दी में अब साल उठा के फायदा, बात अच्छी लगी जी, अरे मात पिता मरे सर्दी में अब साल उठा के फायदा, मात पिता की अर्थी पे फल फूल बगा के फायदा, मात पिता की चिता जले घी दूध चढ़ा के फायदा,
पिता की दुआ बिना रे, माता पिता की दुआ बिना बने ब्रह्म पाल विद्वान नहीं। Hey, hey, hey.